क्या आपके सीने में दर्द और बोझ रहता है? चलने फिरने में सांस फूल जाता है, जिससे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, और अगर आपका रंग पीला हो रहा है तो आपको खून की कमी है, यानी अनीमिया। ये ख़ास तौर पे औरतों में होती है बीमारी। अगर आपके खून की कमी हो गई हुई है किसी भी वजह से, जैसे बवासीर की वजह से, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी शेफ रुबीना, क्या हाल है आपका? आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खून की कमी का घरेलू इलाज। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। जी व्यूवर्स, हमने गाजरे ली हैं और उसको आधे घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। अब हम इसको छोटे पीसेस में काट लेंगे और जो मोटे होंगे उनको दो पार्ट कर लेंगे। खून की कमी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि खून की बोतल लगवाई जाए, बल्कि हमें अपनी ग़िज़ा को बेहतर करना चाहिए। जंक फूड से परहेज़ करें और मौसमी फल और सब्ज़ियाँ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। गाजर हमारी नज़र को तेज़ करती है, मैंने इसको अच्छी तरह धो लिया है और काट लिया हुआ है, ठीक है व्यूवर्स। और साथ ही मैंने चुकंदर लिया है, मैं चुकंदर की जो टहनियाँ हैं, ये डंडियाँ जो हैं, इनको भी ज़ाया नहीं करना, इनको भी काट के इसमें ऐड करेंगे, ठीक है व्यूवर्स। चलें पहले चुकंदर को भी काट लेते हैं। चलें व्यूवर्स, गाजर का जूस बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने चुकंदर को काट लिया हुआ है और इवन कि इनकी डंडियों को भी काट लिया हुआ है, ठीक है। चलें बनाना शुरू करते हैं। गाजर और चुकंदर के जूस में बहुत ज़्यादा मिकदार में आयरन पाया जाता है, जो हमारे खून बनाने में काम आता है, और ये हमारे जिगर को साफ़ करता है, मैदे को साफ़ करता है। अगर आप इसको एक हफ्ता इस्तेमाल करें मुसलसल, तो ये थकावट को दूर करता है और कब्ज़ भी होने नहीं देता। चलें व्यूअर, बिस्मिल्लाह करते हैं। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि गाजरों का जूस जो है वो तैयार हो चुका है। इसमें हमने चुकंदर ऐड किया था, जिसकी वजह से इसका कलर बहुत ही प्यारा आ गया है, रेड रेड सा। अगर आपको अनीमिया है, आप में खून की कमी है, तो आप ये गाजरों का जूस ज़रूर इस्तेमाल करें। चलें आपको सर्व करके दिखाते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, काला नमक ऐड करेंगे, इतना सा, जस्ट इतना सा नमक ऐड करना है। इसमें भी इतना सा नमक ऐड करना है और इसको मिक्स करना है। आप ये जूस तैयार करें और अपने खून की कमी को पूरा करें और अपनी नज़र को तेज़ करें। बहुत ही मुफीद रेसिपी है ये। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।